हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का लव एंड आरती फैमिली ब्लॉग्स में। और एक न्यू ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आज मन है कुछ स्पेशल खाने का। तो स्पेशल खाने के लिए मैं यहाँ पे पुदीना तोड़ने बैठी थी, और पुदीना तोड़ते तोड़ते भाई भूख लग गई मुझे, जैसे कि मैंने पूरा जंगल पुदीने का निकाल दिया। तो छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए यहाँ पर मैंने पापड़ जो है गैस पे गरम किया है, और कुछ लोग तो ऑयल में भी इसको फ्राई कर लेते हैं, लेकिन मैंने गैस पे किया। और आरव को देने चली गई, वो अपनी नेट में सोया हुआ था। और यहाँ पर देखिए ऊपर से मैं क्या क्या लेके आई वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये पुदीना लेके आई हूँ मैं, ये अरबी के पत्ते हैं, और स्टार्टिंग में मैंने आपको आलू दिखाए, वो मैंने पानी में डिप करके रखे हुए हैं ताकि उनका स्टार्च जो है निकल जाए। और यहाँ पे मेरा पापड़, और मैं अपना पापड़ इंजॉय करती हुई। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ों के लिए बैटर, और ये मेरे देखिए गोलगप्पे, और इन्होंने डाल दिया है कढ़ाई में ऑयल, और इस तरह से मैंने गोलगप्पों को फ्राई कर लिया। तो काफ़ी अच्छे और काफ़ी टेस्टी, और सबसे स्पेशल बात ये कि होममेड होते हैं। होममेड मींस ये फ्राई करने के बाद होममेड, वैसे तो मार्केट के ही होते हैं। खैर, तो पानी अपना घर का बना हुआ है, पकौड़े अपने घर के बने हैं, गोलगप्पे भी घर पे फ्राई किए हैं, चटनी घर की है, तो वो सब चीज़ें, चटनी घर की मींस वो भी पैकेट वाली है कहने का तो, लेकिन हाँ फिर भी होममेड है और बाहर से कई गुना ज़्यादा सेफ है। तो इसलिए हमने घर पे बनाने का प्लान किया। और क्योंकि मैंने आलू बॉयल नहीं किए थे, चने भिगोने नहीं डाले थे, तो इंस्टेंट मन किया, तो ये जो पकौड़े थे ना, इन्हीं को हम इस तरह से तोड़ के गोलगप्पे के अंदर फिलिंग कर रहे थे। और चटनी के लिए हमने, क्योंकि इंस्टेंट हम काम कर रहे थे, तो इंस्टेंटली हमने जो है ये सॉस जो है चटनी का काम के लिए यूज़ किया, और काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप देखिए तीनों के तीनों लग गए हैं गोलगप्पास को बनते बनते ही खाने। तो आप लोग भी बताइएगा कौन ऐसा करते हैं कि जब थोड़ी सी चीज़ बन जाती है और भूख लगी हो तो फटाफट से चलो ठीक है पहले खा लेते हैं और उसके बाद फिर अगला काम करेंगे, ऐसा कौन करता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बड़े बहुत ज़्यादा यमी गोलगप्पास बने हैं यहाँ पर, और एक एक करके हम लोगों ने चार चार पाँच पाँच गोलगप्पास खा लिया। आरव भी कार्टून देखते देखते आ रहा है यहाँ पर कि मुझे भी गोलगप्पा दो, तो इस तरह से। और उसके बाद फिर हमने बाकी के गोलगप्पे जो है ना रख लिए थे, और फिर वो हमने बाद में खाने थे। तो ये हमारा शाम का नाश्ता हो गया, और जो बाकी आगे की चीज़ें बची हैं वो जो है हम नाइट में डिनर में करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अरबी के पत्ते, और हमारे में भांबरी के पत्ते होते हैं, वो सब मिक्स करके मैं जो पकौड़े के बैटर में डाल रही हूँ। और यहाँ पर अनियन, ये देखिए आरव को देखिए कैसे आया कि मेरे को एक और गोलगप्पा दे दो, लेकिन अभी नहीं, अब बाद में मिलना था। और यहाँ पे ना पकौड़े बनाने के लिए बड़े बड़े आलू काट दिए थे मैंने, तो उनको छोटा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अरबी के पत्ते और प्याज के मिक्स पकौड़े बनाने वाली हूँ। तो इसलिए सारा का सारा देखिए प्याज आलू और अरबी के पत्ते सारे मैंने अच्छे से मिश्रण में मिला लिए हैं, और इनके पकौड़े बनेंगे फिर बड़े स्वादिष्ट वाले। बार 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 कटोरियाँ लेके, मतलब कटोरी लेके कि और दे दो और दे दो। और यहाँ पे हमारा डिनर का मेन्यू बिल्कुल रेडी, गर्मा गर्म पकौड़े और गोलगप्पे, कुछ गोलगप्पे कुछ ओवर ही फ्राई हो गए, ये पानी आधा पी चुके हैं हम गोलगप्पे के साथ, तो वही चीज़। और यहाँ पर कुछ सीरियल वगैरह लगा हुआ है, तो वो साथ साथ देखते देखते खाएंगे, मज़े करेंगे। और आप लोग भी आ जाइए प्लीज़, आप सभी हमारे फ्रेंड हैं फ्रेंड्स। तो और आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक कि अगर आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स थोड़े भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमें मोटिवेट कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक्स हमारे चैनल को विज़िट करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे सॉस डल रही है, और वैसे जो सौंफ वाली सॉस होती है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है, लेकिन जब इंस्टेंटली खाने का मन करे तो ये वाली जो सॉस होती है टॉप्स वाली, इसमें मतलब जो सिरके का ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी साउंड कर जाती है गोलगप्पास के साथ। तो इस तरह के गोलगप्पे हैं ये, और देखिए आरव ने कैसे मज़ेदार इंजॉय करते हुए। और
और अब हो गया था डिनर और रात को याद आई कि दिवाली डेकोरेशन के लिए जो है मैम ने कुछ हैंडक्राफ्ट मंगवाया है, कुछ हैंगिंग टाइप मंगवाई है डेकोरेशन के लिए, तो वही बनाने लगी हूँ। और देखो मैंने तो बना भी दिया, मेरा वाला आइटम कुछ इस तरह का डेकोरेट करके बना है। और ये जो है बहुत ही मतलब एकदम परफेक्शन के साथ कुछ बना रहे हैं, तो वो भी आउटकम आपको दिखेगा, बने रहिएगा वीडियो में। और ये आउटर पार्ट इन्होंने बना लिया, इसके अंदर भी कुछ लगा। और रात के अराउंड 12:30 हो चुके हैं और तीनों के तीनों जो है लगे हुए हैं यही बनाने के लिए। शायद मुझे हाँ मैं भी यहीं पे बैठी हूँ तभी वीडियो बना रही हूँ, मुझे लगा मैं यहाँ से जा चुकी हूँ लेकिन नहीं। और मैंने तो बना दिया था इंस्टेंट वाला, 15-20 मिनट में मेरा क्राफ्ट रेडी था। लेकिन यहाँ पे परफेक्शन के साथ बनते हुए, और आरव भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। रात को इनकम्प्लीट बना के सो गए हैं फिर, और ये सुबह का है। सुबह उठ के मैं आई हूँ और मैंने इसको डेकोरेट किया है, बना लिया था इन्होंने, लेकिन ये डेकोरेशन वगैरह फिर मैंने की और ये फाइनल लुक के साथ रेडी। और बताइएगा आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा। और मेरा भी आप देखिए, मेरा भी है मैंने भी अपनी एफर्ट दिखाई थी और इनकी भी एफर्ट यहाँ पे दिख रही है। तो बताइएगा आपको कौन से वाला जो है ये लैम्प अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को फिनिश करती हूँ। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।